नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के परिवार को हुई सजा पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम का धर्म दूसरा है, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की गई है। आजम खान मुसलमान है, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई। पूर्व जिला शासक के अधिवक्ता अरुण कुमार सक्सेना ने कहा, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज पुलिस थाने में बीजेपी विधायक आकाश और सक्सेना के दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के 2 फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने इसमें से एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से और दूसरा रामपुर से प्राप्त किया था। वहीं आरोप पत्र के अनुसार रामपुर नगर पालिका के जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी। इसके अनुसार दूसरे प्रमाण पत्र के अनुसार उसका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर स्वार निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले अब्दुल्ला आजम को 2008 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए फरवरी में मुरादाबाद की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं दोष सिद्धि और सजा के 2 दिन बाद अब्दुल्ला आजम को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब्दुल्ला आजम ने सजा पर रोक के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जहां उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था। हालांकि अब आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा तीनों को दोषी करार दिया गया है और 7-7 साल की सजा भी सुनाई गई। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।